झाबुआ के विधायक आदिवासी वेशभूषा में दिखाई दिए। पूछने पर बताया कि ये उनके स्वाभिमान की बात है कि वह अपने आदिवासी समाज को, अपनी आदिवासी संस्कृति को एवं आदिवासियों के संघर्ष को साथ लेकर चलते हैं और विधानसभा में आदिवासी वेशभूषा में आने का यही कारण था कि हम अपनी संस्कृति को ना भूलें। कांग्रेस में हुए बड़े बदलाव के बारे में पूछे जाने पर कहा कि राहुल गांधी ने जो निर्णय लिया है, सभी लोग पूरी ताकत से निर्णय के साथ हैं, पूरा विश्वास है जिस ताकत से युवाओं को मौका दिया है, वरिष्ठों का आशीर्वाद लेकर जबरदस्त काम मध्य प्रदेश में करेंगे। क्या नए बदलाव होंगे इस बारे में पूछे जाने पर बता दें कि और भी नए युवाओं को मौका मिलेगा और जब सब लोग लड़े तो हमारी कम संख्या भी बीजेपी पर बहुत भारी पड़ेगी। सड़क से संसद तक किस तरह की लड़ाई होगी प्रति अपनी रणनीति बताते हुए कहा कि सरकार ने जो वादे किए हैं युवा वादे को पूरा करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और जब तक बीजेपी अपने वादों को पूरा नहीं करेगी हम उन्हें चैन से नहीं बैठने देंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं झाबुआ के एमएलए विक्रांत भूरिया जो इस वक्त हमें आदिवासी वेशभूषा में दिखाई दे रहे हैं। आइए इनसे बातचीत करके जानते हैं कि इस वेशभूषा का क्या कारण है। जी देखिए, ये हमारे स्वाभिमान की बात है कि हम किस तरह से अपने आदिवासी समाज को, आदिवासी संस्कृति को, आदिवासियों के संघर्ष को साथ लेकर चलते हैं और आज यहाँ आने का एक ही उद्देश्य था कि जहाँ से हम आए हैं उस चीज को ना भूलें, जो संघर्ष हमने करा है, जो संघर्ष हमारे पूर्वजों ने करा है उस चीज को ना भूलें। और ये बात बताने के लिए कि जो सड़क पर हम संघर्ष करते रहते हैं समाज के लिए, युवा के लिए, गरीब के लिए, ये सदन के अंदर भी हमारा संघर्ष जारी रहेगा। जी, जो कांग्रेस में इस वक्त बड़ा बदलाव देखा गया है, युवा प्रदेश अध्यक्ष आए हैं, उनके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि राहुल जी ने जो निर्णय लिया है सब लोग पूरी ताकत से उस निर्णय के साथ हैं और पूरी उम्मीद है कि जिस ताकत से नए युवाओं को मौका दिया है वो वरिष्ठों के आशीर्वाद लेकर जबरदस्त काम मध्य प्रदेश में करेंगे और जो ये संघर्ष की जो मशाल है इसको बुलंद करने का काम करेंगे सड़क पर भी और सदन में भी। क्या नए बदलाव देखे जा सकते हैं? आप देखेंगे, अब नई कार्यकारिणी बनेगी, नए लोग आएंगे, नए युवाओं को और मौका मिलेगा। मैं खुद यूथ कांग्रेस से आता हूं, यूथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष हूं, तो मैं भी चाहूंगा कि हमारे भी बहुत सारे युवा जो संगठन में बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं यूथ कांग्रेस में, अब उनको मुख्य कांग्रेस में, मेन कांग्रेस में उनको जगह मिलेगी ताकि जब सब लोग एक साथ लड़ाई लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर भले ही हमारी संख्या सदन में कम है पर ये कम संख्या भी बीजेपी पर बहुत भारी पड़ने वाली है। देखिए, हमने सीधा सा हमारी एक ही रणनीति है कि इन्होंने जो वादे करे हैं, सरकार ने जो वादे करे हैं, जिसके दम पर ये सत्ता में वापस आए हैं, उन वादों को पूरा करवाना हमारी सबसे बड़ी जवाबदारी है। और ये भी आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश को ये किस तरह से कर्जे में ढकेले जा रहे हैं, 25,000 करोड़ का कर्ज लेने जा रहे हैं, 4,00,000 करोड़ से ज्यादा वैसे ही कर्ज मध्य प्रदेश पर है, जनता पर जबरदस्त इस तरह का कर्जा है, तो अब ये कर्जा ना लेते हुए किस तरह से लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करेंगे ये देखने वाली चीज होगी। और हम तो चाहते हैं कि जो इन्होंने वादा करा है वो पूरा करके दिखाइए। आपने वादा करा युवाओं को रोजगार देंगे, रोजगार दीजिए। आपने बोला कि 2,700 रुपए क्विंटल आप गेहूं का समर्थन मूल्य देंगे, आप दीजिए। आपने बोला 3,100 रुपए आप धान का समर्थन मूल्य देंगे, आपको देना पड़ेगा। आपने बोला लाडली बहनों को ये 3,000 तक का हर बहन को सहायता होगी हर महीना, आपको करना पड़ेगा। और अगर आप ये नहीं करेंगे तो हम आपको चैन से बैठने नहीं देंगे। धन्यवाद। इस वक्त हमने विक्रांत भौरिया से बात की और जानने को मिली हमें बहुत सारी बातें युवा के बारे में, किस प्रकार युवा बदलाव करेंगे, सड़क से सांसद तक का जो इनकी रणनीति है वो देखी गई। कैमरामैन साहिल के साथ मैं अमृता शर्मा, फास्ट समाचार, भोपाल।